सागर शहर में सबसे वाजिब दाम व मजबूत कंस्ट्रक्शन की गारंटी के साथ बनाएं अपने सपनों का घर अर्बन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के साथ। सागर जिले की रहली तहसील के खैराना गांव में नवरात्रि का पर्व धूमधाम और बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन यहां लगी माता रानी की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस बार खास बात यह है कि यहां पर राधे राधे सेवा मंडल द्वारा मां दुर्गा की 9 स्वरूपों समेत भगवान गणेश को हिंडोला में झुलाया जा रहा है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जबकि मां की मुख्य मूर्ति अलग स्थापित की गई है। इस अनूठी झांकी के संबंध में मंडल के कृष्ण गोपाल पाराशर ने बताया कि नई पीढ़ी को धार्मिक आयोजनों और बुंदेली परंपराओं से जोड़ने के उद्देश्य से इस बार लीक से हटकर आयोजन करने का सोचा गया था और ऐसी झांकी लगाई गई, जिसके दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त गण आ रहे हैं। ये जो आयोजन है हमारे राधे राधे शिव मंडल द्वारा संचालित किया जाता है, ये इस साल 8वां वर्ष है इस कार्यक्रम का। तो इसमें हम लोग क्या है कि 9 देवियों जी की स्थापना करते हैं और 9 देवियों के माता रानी के हिंडोला में इनको विराजमान करते हैं। आप जो ये हिंडोला पे विराजमान करते हैं तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि जो आज की नई पीढ़ी है वो पुरानी परंपराओं को भूलती जा रही है, तो पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य को लेकर पुरानी परंपराओं को जीवित कर रहे हैं और माता रानी को यानी पुरानी परंपराओं का जो झूला है उसको हिंडोला बोलते हैं उसमें विराजमान करते हैं। देवी जी की स्थापना यहाँ विगत 8 वर्षों से लगातार की जा रही है और इसका यह उद्देश्य है, और दशहरे के दिन हम लोग बैलगाड़ी से इसलिए निकालते हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ रहा है, उसके लिए हम बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं और बैलगाड़ी से माता रानी की झांकी को हम पूरे गांव में भ्रमण कराते हैं, इसके बाद विसर्जन को बैलगाड़ी से ही ले जाते हैं। हर वर्ष आप जो विसर्जन करने ले जाते हैं तो बैलगाड़ी से ही ले जाते हैं? जी, हम हर वर्ष बैलगाड़ी से ही ले जाते हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जो इस तरह से बढ़ रहे हैं उसकी तरह से गैस के भी दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग बैलगाड़ी से प्रदूषण का अभाव होते हुए इसलिए हम लोग बैलगाड़ी से ले जाते हैं। ये आयोजन राधे राधे सेवा मंडल के जो दिख रहे हैं सब नौजवान, लगभग वो 20 से लेके 25 और 30 वर्ष के हैं सब, इन लोगों में नए युवाओं में ऐसा उत्साह है कि प्रति वर्ष नए वर्ष पे 1 तारीख से ये लोग भागवत का भी आयोजन करते हैं और इस समय शारदीय नवरात्रि में ये लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे माता रानी की स्थापना करते हैं और इसमें एक ये हिंडोला पे बैठा लेते हैं 9 देवियों को और एक गणेश जी, तो ऐसे मिला कि ये 10 हिंडोला हैं। तो यहाँ आसपास के काफ़ी गांव हैं, खैराना के आसपास लगे हुए हैं, बेद्वारा है, सोनपुर है, प्राचय है, सकरी है, रामपुर, रानगर, सीरी, बहेरिया, यहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु देखने के लिए आते हैं और ये आयोजन जो ये लोग करते हैं, इस आयोजन में इनका मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि पर्यावरण संरक्षण हो, पर्यावरण के लिए पेड़ पौधा लगाएं और ये लोग लगाते भी हैं और जब इनका विसर्जन करते हैं तो ये लोग पुरानी परंपरा पे, जब ये नहीं होते थे ट्रैक्टर वगैरह तो उस समय लोग बैलगाड़ी से ले जाती थी, तो इन लोगों ने एक विचार पिछले वर्ष से विचार बनाया कि हम लोग भी बैलगाड़ी से ले जाएं, तो गांव में लगभग ये सब खत्म हो गई हैं, बैलगाड़ी भी खत्म हो गई, बैल भी गिने चुने बचे हैं, तो अब उस परंपरा को ये पुनः जीवित कर रहे हैं और एक बहुत अद्भुत आयोजन हुआ था जो रहली विधानसभा में, और विधानसभा में क्या लगभग कहीं नहीं हुआ होगा, तो इसकी चर्चा भी पिछले वर्ष बहुत हुई थी और इन नवयुवकों ने ये बहुत अच्छा काम किया है और यही लोग करते ही काम, हम लोग तो ये है कि इनने बोला तो पीछे से थोड़ा सा संरक्षण, बाकी सब ये पूरे नवयुवक ही करते हैं। रहली से आदेश अग्निहोत्री, सागर टीवी न्यूज। सागर शहर में सबसे वाजिब दाम व मजबूत कंस्ट्रक्शन की गारंटी के साथ बनाएं अपने सपनों का घर अर्बन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के साथ। आधुनिक भवन निर्माण कार्य, वास्तु अनुसार बिल्डिंग प्लानिंग, फ्रंट एलिवेशन एंड इंटीरियर, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, मैरिज गार्डन के निर्माण, कॉलोनी लेआउट एंड एस्टीमेट के लिए आज ही संपर्क करें। पता है संजय ड्राइव रोड, ट्रैफिक पार्क के पास, सागर। हमारा नंबर है 8269588287।